इस चैनल पे मैंने कई क्वालिटी गिटार्स इन अफोर्डेबल प्राइस रिव्यू करे हैं, लेकिन इन गिटार्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये या तो आपको 39 इंचेस या 40 इंचेस की साइज में देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें ना वन टाइम एक गिटार लेना है, तो अफोर्डेबल प्राइस में कोई अच्छा गिटार बताओ जिसमें जो है ओवरऑल अच्छा वॉल्यूम रिस्पॉन्स और अच्छा बेस प्रोजेक्शन भी हो। तो आज यहाँ पे मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि आज यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा गिटार है जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, अफोर्डेबल प्राइस भी मिलता है, और इसके अलावा आपको अच्छा वॉल्यूम और बेस रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो चलो फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सा गिटार है ये। और भाई थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, तो पहले यहाँ एक्सेसरीज निकाल ले। तो भाई कैपो है, स्ट्रिंग्स है, केबल है, बहुत ही बढ़िया। और अब यहाँ पे भाई गिटार खोलते हैं, इस कवर में से निकालते हैं, देखते हैं। क्या बात है भाई, क्या गिटार है, क्या फिनिश है। तो ये है न्यूवुड का फ्लाई डीसी। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो एक ड्रेडनॉट कटअवे गिटार है। अब न्यूवुड आप में से कई लोग जानते होंगे, मैंने अभी लास्ट ईयर ही जो है न्यूवुड फ्लाई एम की एक वीडियो की थी जिसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। काफी लोगों को ये एंट्री लेवल सेगमेंट में अच्छा लगा गिटार, काफी पसंद आया। तो यहाँ पे न्यूवुड वालों ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई हमने एक नया गिटार डेवलप किया है जो कि वो चाहते हैं कि मैं चेक करूँ। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को एक तो ये गिटार भेजा है, इसके अलावा जो है इसमें और कलर वेरिएंट्स और एक और मॉडल का ऑप्शन भी भेजा है जो कि आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे भैया मेरे पास एक की जगह दो गिटार्स हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉफी कलर है ये प्लेन वेरिएंट है, और यहाँ पे सनबस्ट कलर वाला जो है ये इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट है। लेकिन यह प्लेन वेरिएंट में भी एक बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, वो है कि इसमें भी आपको एक टच पिकअप मिल जाती है। अब ये टच पिकअप क्या है, इसकी डिटेल्स आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं समझाऊंगा, तो आप जो है टाइम स्टैम्प्स को जरूर फॉलो करना। तो यहाँ पे चलो अब स्पेक्स की बात करते हैं। तो जो फ्लाइट डी है इसमें जो टॉप है वो बना है लैमिनेटेड लिंडन वुड का, जो बैक एंड साइड्स है वो बनी है लैमिनेटेड बेस वुड की। न्यूवुड फ्लाई डीसी में आपको जो है फुल ग्लॉस फिनिश देखने को मिलती है। तो जो टॉप बैक एंड साइड्स है ये फुल ग्लॉस है, नेक भी जो यहाँ पे है वो फुल ग्लॉस फिनिश में है। तो यहाँ पे फ्लाई डीसी सीरीज में आपको जो है बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये कॉफी कलर है, सनबस्ट कलर है, ये आपको जो है प्लेन वेरिएंट एज वेल एज इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको नेचुरल कलर, ब्लैक कलर, इसके अलावा वाइन रेड कलर देखने को मिल जाता है। तो भाई दो वेरिएंट्स मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको कई कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूवुड में एक और जो अच्छी चीज लगी मेरे को वो है कि यहाँ पे आपको ना ओवरऑल एक काफी प्रीमियम लुक भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं क्लोजअप शॉट भी शेयर करूंगा, आप देखना। तो यहाँ जो बैक और साइड है उसमें आपको क्रीम बाइंडिंग मिल रही है, नेक पे भी आपको क्रीम बाइंडिंग मिल रही है, लेकिन यहाँ टॉप पे आपको जो है काफी अच्छा काम देखने को मिल जाता है एजेस पे। तो यहाँ पे आपको एब्लॉन स्टाइल बाइंडिंग देखने को मिलती है एजेस के ऊपर, जो कि काफी अच्छी लगती है और यूजुअली आपको एंट्री लेवल गिटार्स में देखने को नहीं मिलेगी। जो इस गिटार का नेक है वो बना है महोगनी का, और यहाँ पे नेक प्रोफाइल की बात करें तो ओवरऑल आपको जो है काफी कंफर्टेबल सी शेप नेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की डायकास्ट ट्यूनिंग की देखने को मिल जाती है, और यहाँ जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बने हैं टेक रोजवुड का। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिंग्स की बात करें तो यहाँ आपको 11 गेज की ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स मिल रही हैं, और ये स्ट्रिंग्स भी न्यूवुड ब्रांड की है। तो जब मैंने न्यूवुड फ्लाई एम रिव्यू किया था तो उसमें भी मेरे को ये काफी हाइलाइटिंग फीचर लगा था कि यहाँ जो स्ट्रिंग्स है काफी अच्छी क्वालिटी की है। यूजुअली क्या होता है कि एंट्री लेवल गिटार्स में ना जो ब्रांड्स होते हैं वो स्ट्रिंग्स पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको राइट आउट ऑफ द बॉक्स जो है अच्छी साउंड भी नहीं मिलती, ट्यूनिंग इंस्टेबिलिटी भी रहती है, और फिर ऐसा होता है मोस्टली लोगों को ना स्ट्रिंग्स चेंज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ न्यूवुड के साथ मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी थी। फ्लाई एम सीरीज में भी जो है मैंने जब टेस्ट किया था मेरे को स्ट्रिंग्स काफ़ी पसंद आई थी। और यहाँ पे जो फ्लाई डीसी मॉडल है इसमें भी जो है आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स मिल रही है, और एक और अच्छी बात है कि आपको जो है ना ये सेम स्ट्रिंग्स हर न्यूवुड गिटार के साथ फ्री भी मिलती है। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग्स पसंद आई हो या गलती से अगर आपकी स्ट्रिंग टूट गई हो तो आपके पास एक स्पेयर सेट है अच्छी क्वालिटी स्ट्रिंग्स का जिसको आप आगे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, विच इज अ वेरी हाइलाइटिंग फीचर इन न्यूवुड गिटार्स। तो यहाँ पे जो प्लेन वेरिएंट है इसमें आपको एक टच पिकअप मिलती है। तो ये जो है बेसिकली एक बड़ी ही सिंपल सी पिकअप होती है, इसमें कोई भी इक्वलाइजर नहीं होता है जिससे कि आप अपनी साउंड को जो है ट्वीक कर सकते हैं। ये सिंपल प्लग एंड प्ले वाली पिकअप है, और ये मतलब इसलिए दे रखी है कि भाई आपको कहीं प्ले करना है, जैसे कि एक बिगनर है वो गिटार यूज कर रहा है, कोई आपको चांस मिलता है या वैसे ही आप प्ले करना चाहते हैं, तो
तो ये पिकअप उसके लिए दे रखी है। ये जो टच पिकअप है ये उतनी इफेक्टिव तो नहीं होती जितनी एक प्रॉपर इक्वलाइजर पिकअप होती है। तो दिस इज अ नाइस थिंग कि इन्होंने ये एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री चीज दे रखी है प्लेन वेरिएंट में। लेकिन यहाँ पे बात करें द रियल डील की, तो यहाँ पे जो नियोवुड फ्लाई DCE है जो कि इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट है उसमें इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी सी पिकअप है। इस पिकअप में आपको 4-band इक्वलाइजर मिलता है, इसके अलावा एक प्रेजेंस का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर वॉल्यूम का नॉब है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छे क्वालिटी का ट्यूनर भी मिल रहा है इस पिकअप में। अब बात करें फ्री एक्सेसरीज की, तो यहाँ नियोवुड फ्लाई DCE के साथ आपको एक नॉन पैडेड बैग मिलता है। दिस इज वेरी टिपिकल क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेवल रेंज में मोस्टली जो है आपको नॉन पैडेड बैग ही देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक अच्छे पैडेड बैग में जरूर इन्वेस्ट करें, इससे आपका गिटार जो है अच्छे से मेंटेन रहेगा, आप जो है गिटार को आराम से कैरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा नियोवुड फ्लाई DCE के साथ आपको जो फिंगर प्रोटेक्टर मिलते हैं, तो ये तो भाई बड़ी सिली चीज है और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इसको मत यूज करना। और मैं नियोवुड वालों को भी सजेस्ट करूंगा कि भाई कोई और एक्सेसरी ऑफर करो ये फिंगर प्रोटेक्टर की जगह। और यहाँ पे आपको जो है एलन की मिल जाती है और कुछ पिक्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी एक्सेसरी मेरे को लगती है वो है ये नियोवुड गिटार की स्ट्रिंग्स। तो ये स्ट्रिंग्स काफी अच्छी क्वालिटी की है और एंट्री लेवल सीरीज में ना ये पहला एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स फ्री देता है। यूजुअली काफी बिलो एवरेज स्ट्रिंग्स ही आपको जो है एंट्री लेवल सीरीज के गिटार्स में देखने को मिलती है। लेकिन जो नियोवुड का फ्लाइट DCE है जो कि इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट है उसके साथ आपको थोड़ी सी डिफरेंट एक्सेसरीज भी मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको वही नॉन पैडेड बैग मिल रहा है नियोवुड की, वो क्वालिटी स्ट्रिंग्स मिल रही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रोकूस्टिक के साथ आपको जो है एक कैपो कुछ पिक्स मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है गिटार केबल मिलती है। अब बात करें प्राइस की, तो जो नियोवुड फ्लाइट DCE है ये आपको मिल जाता है 5799 का, और इसका जो इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट है फ्लाइट DCE ये आपको मिल जाता है 6799 का। और ये गिटार जो है आपको Amazon और Flipkart पे देखने को मिल जाते हैं, तो जो सारे बेस्ट बाय लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक कर लेते हैं।
साउंड वाइज मेरे को ये गिटार्स काफी अच्छे लगे। यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल टोन की बात करें तो इन गिटार्स में से आपको जो है काफी ब्राइट टोन सुनने को मिल जाती है, और जैसे कि ये ड्रेडनॉट कटे हुए डिजाइन अकूस्टिक गिटार है तो इसमें आपको जो है काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन और ओवरऑल काफी अच्छा बेस रिस्पांस सुनने को मिलता है। तो अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को इस गिटार की नेचुरल टोन काफी इंप्रेसिव लगी। अब बात करें पिकअप टोन की, तो इस गिटार में आपको जो पिकअप मिल रही है उससे आपको जो एक अच्छी पीजो साउंड सुनने को मिल जाती है। यहाँ पे जो इक्वलाइजर इस पिकअप में वो काफी वेल बैलेंस्ड है, और ये पिकअप अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को काफी अच्छी लगी। लेकिन इस पिकअप को जो है मैं कोई फिशमैन या डबल की पिकअप से नहीं कंपेयर करूंगा। अब बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, सबसे पहले प्रोज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5800 के अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में आपको जो है काफी वेल बिल्ट और वेल साउंडिंग गिटार मिल रहा है, और इसमें जो है आपको राइट आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी स्ट्रिंग्स भी मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छी लुक भी मिलती है, और यहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। इसके अलावा जो एक बोनस आपको प्लेन अकूस्टिक वेरियंट में मिलता है वो है टच पिकअप। इसके अलावा बस 1000 रुपीज एक्स्ट्रा में ही आपको जो है एक इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है। और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप जो है वन टाइम लेने का सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। और इसके अलावा इन गिटार्स का जो सेटअप है वो भी मेरे को काफी अच्छा लगा, राइट आउट ऑफ द बॉक्स। और अब बात करें कॉन्स की, तो यहाँ पे एसएच मेरे को साउंड वाइज या क्वालिटी वाइज कोई भी दिक्कत नहीं दिखी इस गिटार में। मेन जो कॉन है वो एक्सेसरीज में है कि यहाँ पे जो प्लेन वेरिएंट मिलता है इस गिटार का उसमें जो वो फिंगर प्रोटेक्टर है उसकी जगह कोई और यूजफुल एक्सेसरी दे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अंडर 6000 रुपीज नियोवुड फ्लाई डीसी एक बहुत ही अच्छा ड्रेडनॉट कटअवे ऑप्शन है। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया है ही, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गिटार प्लेयर है और एक स्पेयर गिटार लेना चाह रहे हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। और इसका जो इलेक्ट्रोकूस्टिक वेरियंट है जो कि अराउंड 6800 का है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है बिगनर्स के लिए एज वेल एज एग्जिस्टिंग गिटार प्लेयर्स। क्योंकि यहाँ पे सपोज आप कॉलेज में परफॉर्म करते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं और आपको जो है एक अफोर्डेबल अच्छा गिटार चाहिए अपने साथ रखने के लिए कि आप भी प्ले कर सके परफॉर्म कर सके, तो यहाँ पे ये गिटार जो है काफी अच्छा ऑप्शन है। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, इसके अलावा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।